आप एक न्यू माउंटेन बाइक यूज़र है उसमें आपको 3x सेटअप वाला ड्राइव ट्रेन देखने को मिलता है, तो अब बिगिनर लोगों के लिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि मतलब आपको कैसे प्रॉपर तरीके से गियर शिफ्ट करना है, उसमें चेन लाइन कैसे मेंटेन करेंगे, मतलब फ्रंट गियर और रियर गियर के साथ कम्बिनेशन कैसे करेंगे, मतलब ऐसे तैसे करके आप गियर को शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब आपको चेन लाइन मेंटेन रखना पड़ेगा, फ्रंट और रियर गियर के साथ एक कम्बिनेशन मेंटेन करके मतलब एक रेशियो मेंटेन करके चेन को शिफ्ट करना पड़ता है, तब जाके प्रॉपर शिफ्टिंग होता है, नहीं तो आप ऐसे तैसे करके शिफ्ट नहीं कर सकते। और 1/7 में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि 1/7 में इतना ज़्यादा मतलब आपको सिंगल पीस चेंजिंग देखने को मिलता है और पीछे आप किसी भी गियर पर चेन को शिफ्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे चेन लाइन को लेके, मतलब चेन को आप प्रॉपर तरीके से कैसे मतलब रेशियो मेंटेन्स करके शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट में सबसे छोटे वाले चेनरिंग पे चेन को शिफ्ट करेंगे, मतलब फास्ट गियर में। तो देखिए मैंने शिफ्ट कर दिया, तो अभी हमें देखना है कि रियर में सबसे जो बड़े वाले कॉग है उसको तो छोड़ के बाकी हम कितना छोटे वाले कॉग तक हम चेन को शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब कितना छोटे गियर तक हम चेन को प्रॉपर तरीके से मतलब स्ट्रेट चेन लाइन मेंटेन्स करके शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चेन को 5th नंबर कॉग पे शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप चेन देखिए फास्ट जो फ्रंट में आप नोटिस कर सकते हैं, फ्रंट गियर के साथ पीछे जो 5th नंबर गियर है उसके साथ आप नोटिस करिए चेन थोड़ा सा मतलब बेंट है, लेकिन जब हम 4th नंबर पे चेन को शिफ्ट कर रहे हैं तो एकदम स्ट्रेट लग रहा है। तो हम जब 5th नंबर पे देखिए 5th नंबर पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, उतना भी प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब देखिए थोड़ा सा बेंड होता है, ये एक्चुअली इतना भी प्रॉब्लम फ्रिक्शन नहीं होगा, तो ये एकदम फिक्स है, ठीक है, ये एकदम प्रॉपर तरीके से आप मेंटेनेंस ठीक ठाक है। और यहाँ पे मेरे को चेन लाइन एकदम ठीक ठाक लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा फ्रिक्शन वगैरह बेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये ठीक ठाक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट में 2nd गियर पे चेन को शिफ्ट करेंगे। सो अभी हमें देखना है कि फ्रंट में 2nd गियर के साथ पीछे हम कितना गियर तक चेन को शिफ्ट कर सकते हैं। सो पहले बड़े वाले गियर की तरफ शिफ्ट करते हैं, कितना तक जाता है देखते हैं। तो ये हो गया 3 नंबर। तो हमें ये देखना है कि देखिए चेन मतलब थोड़ा सा बेंड है, लेकिन उतना भी मतलब बेंड नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे सही लग रहा है, लेकिन छोटे वाले जो कॉक है उसकी तरफ जाते हैं शिफ्ट करके, देखते हैं कितना तक जाते हैं। तो ये है 6th गियर, 7th पे जाते हैं, देखिए ये ज़्यादा बेंड हो चुका है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, फ्रंट डिरेल के साथ चेन मतलब रबिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें देखना है कि मतलब ये चेन रबिंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब चेन एकदम ठीक ठाक, मतलब फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो एकदम मिनिमम एक स्ट्रेट लाइन पर चेन को रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा बेंड भी नहीं होना चाहिए चेन और फ्रिक्शन भी ना हो, एकदम मिनिमम एक स्ट्रेट लाइन पर रहे। और यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, सबसे छोटे वाले चेंजिंग है मतलब इसका मतलब फ्रंट की जो 2nd गियर है उसके साथ आप हाइट 6th नंबर तक आ सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा आएंगे तो मतलब चेन बेंट होने की चांसेस है। तो बड़े वाले जो चेंजिंग है उसमें आप हाइस्ट 3 नंबर तक जा सकते हैं। अगर आपका पीछे 7-स्पीड कैसेट है या फ्री व्हील है तो आप वहाँ पर 2 नंबर तक चेन को भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसका भी 1 नंबर तक शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन चेन का आप बेंड देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए आप नोटिस कर सकते हैं, देखिए चेन कितना बेंड हो चुका है। तो जैसे आप 1 नंबर पे शिफ्ट करेंगे चेन को, तो आपको उसके साथ साथ फ्रंट गियर भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब फ्रंट गियर को भी 1 नंबर पे लाना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रंट में 1 नंबर के साथ साथ आप पीछे 5 नंबर तक हाइस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपका 7-स्पीड फ्री व्हील है तो आप वहाँ पर 4 तक यूज कर सकते हैं, मतलब 4th गियर तक यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप 5th से आप 6th में शिफ्ट करेंगे पीछे, तो साथ साथ आपको फ्रंट में भी शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब फ्रंट में भी 2nd गियर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप फ्रंट में 2nd गियर पे शिफ्ट करेंगे चेन को, तो उसके साथ साथ यहाँ पे आप कितना तक यूज कर सकते हैं आपको दोबारा फिर से दिखा देते हैं, मतलब 3 नंबर से 6 नंबर तक, मतलब बिगेस्ट कॉक की तरफ आप 3 नंबर तक जा सकती है और स्मॉलेस्ट कॉक की तरफ आप 6 नंबर तक हाइस्ट जा सकती है। अगर आप उससे ज़्यादा जाएंगे, मतलब आप 6 से जब 7 में शिफ्ट करेंगे, तो उसके साथ साथ आपको फ्रंट चेंजिंग भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब फ्रंट गियर में आपको सबसे बड़े वाले चेंजिंग पे शिफ्ट करना पड़ेगा चेन को। सो अब हमें ये देखना है कि फ्रंट में जो सबसे बड़े वाले चेंजिंग पे चेन शिफ्ट कर दिया, तो पीछे हम कितना गियर तक चेन को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्मॉलेस्ट जो कॉक है, मतलब सबसे छोटे वाले जो गियर है उसमें तो चेन फिक्स रहेगा, लेकिन हमें ये देखना है कि सबसे जो बड़े वाले जो गियर होते हैं, मतलब लोएस्ट गियर जो होते हैं, सबसे जो बड़े वाले कॉक, तो उसमें आप कितना दूर तक जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देखिए मैंने 5 नंबर गियर पे चेन को शिफ्ट कर दिया है, तो वहाँ पे मेरे को चेन थोड़ा सा बेंट लग रहा है, लेकिन ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा भी बेंट नहीं है। अगर मैं उससे ऊपर थोड़ा सा चला जाऊँगा तो वो ज़्यादा बेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, तो मैंने फ्रंट में 2nd गियर पर चेन को शिफ्ट कर दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते, देखिए रियर में आप 3 नंबर से 6 नंबर तक जा सकते हैं।
और उससे ज़्यादा जाएंगे तो चेन बेंट होने की चांसेस है। तो 3 से 6, अगर आपका 7 स्पीड का सिस्टम है तो आप वहाँ पे 3 से 5 तक जा सकते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, चेन को फ्रंट में सबसे छोटे वाले चेन रिंग पे शिफ्ट कर देंगे। सो यहाँ पे फंडा क्या था कि 1 नंबर से 5 नंबर तक हम हाइस्ट शिफ्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा शिफ्ट करेंगे तो चेन बेंट होने की चांसेस है। आशा करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है, और एकदम बिल्कुल मतलब कॉम्प्लिकेटिव कुछ भी नहीं है, मतलब सीधा सीधा बात है। आप मतलब 2-3 बार इसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, पैडल प्रेशर। मतलब जब आप शिफ्टिंग के टाइम क्या होता है कि पैडल को रोटेट करना पड़ता है, तो रोटेट करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, पैडल के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मतलब हल्के से पैडल को घुमाना चाहिए, मतलब पैडल के मोशन के साथ पैर को घुमाना चाहिए, और घुमाते वक्त आपको शिफ्टर को प्रेस करना है, ठीक है। तब जाके अच्छी तरीके से गियर चेंज होगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चेन में आवाज़ भी नहीं आएगा, ठीक है। हमारे जो बिगिनर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि पैडलिंग मतलब जब स्पीड में होते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड पैडलिंग करते हैं, हार्ड पैडलिंग के टाइम शिफ्टर को प्रेस करते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है आप एक बार खुद सुन लीजिए। तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा चेन में मतलब आवाज़ आ रही है, मतलब चेन में कितना ज़्यादा खट खट करके आवाज़ आ रही है, तो जो कि एकदम बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि चेन का जो लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, और चेन जो है मतलब जल्दी डैमेज हो जाती है, वेयर आउट हो जाती है चेन। सो यहाँ पे आप इस डायग्राम चार्ट को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे चेन को प्रॉपर तरीके से शिफ्ट करना है। और कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।